दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय और मंत्री हैं हमारे साथ। गोपाल जी, एक बार आप साफ कर ही दीजिए, गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसने बताया गठबंधन हो रहा है? तो बीजेपी को रोकने के लिए सर कुछ ना कुछ तो समीकरण देखने होंगे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, और इस बार आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी सातों के सातों सांसद चुनाव हारेंगे और आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन सर, बीजेपी को रोकने के लिए जो वोट शेयर चाहिए आपको, माइनॉरिटीज की बात करें, दलितों की बात करें, तो वो ऐसा देखता है कि भैया जो पीएम कौन है उस लेवल के ऊपर तो आप वीक ठहरते हो? देखिए, इस देश के अंदर दो तरह के लोगों का एक रुझान है कि ये जो तानाशाही की सरकार है जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ पर सपा बसपा गठबंधन के साथ लोग खड़े हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ लोग खड़े हो रहे हैं, उसी तरह से आंध्र प्रदेश में लोग खड़े हो रहे हैं, अभी तेलंगाना में लोग खड़े हुए हैं। दिल्ली के अंदर लोग एक बात सोच रहे हैं, जो भाजपा को हराएगा उसके साथ लोग जाएंगे। तो यूपी में भी तो ऐसा ही हुआ, एसपी बीएसपी तभी तो साथ आए कि भाजपा को रोकना है, तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आएंगे तभी तो भाजपा रुकेगी? नहीं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी तो कैप्टन सक्षम है इसको करने में। ऐसा बताया जा रहा चंद्रबाबू नायडू के थ्रू, ममता बनर्जी के थ्रू टॉक्स चल रहे हैं, कुछ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हो पाया है, गठबंधन होना ये तो तय है? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तो ये अभी मना कर रहे हैं गोपाल राय जी, लेकिन सीट शेयरिंग फार्मूला काफी अहम है। इस बात की भी चर्चाएं चल रही हैं कि तीन तीन एक क्या फार्मूला बन सकता है, यानी कि तीन सीटों पर कांग्रेस, तीन सीटों पर आम आदमी पार्टी और एक सीट नई दिल्ली की यशवंत सिन्हा के लिए छोड़ दी जाएगी। औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा है क्योंकि गठबंधन की ये रीत है, जब तक फाइनलाइजेशन नहीं हो जाते तब तक की पार्टी के लोग इस बात पर हामी भरने के लिए कतरा रहे हैं। कैमरामैन राकेश के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।